हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपका लेसन यूनिटी स्ट्रेंथ. आइए देखते हैं. वंस अ फ्लॉक ऑफ डव्स फ्लू फार अवे फ्रॉम देयर होम इन सर्च ऑफ फूड. एक समय की बात है, फ्लॉक यानी समूह. किसका समूह था? डव्स का. डव्स कबूतर की फैमिली का ही एक पक्षी है, बट नॉट एग्जैक्टली कबूतर, आपको बताया गया है. अपने घर से बहुत दूर निकल आया उड़ते उड़ते इन सर्च ऑफ फूड. सर्च का मतलब होता है खोज, फूड का मतलब भोजन. दो दे फ्लू फॉर माइल्स एंड माइल्स, दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट. मीलों दूर उड़ने के बावजूद उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला. टायर्ड एंड हंग्री, थके हुए. टायर्ड का मतलब थके हुए, हंग्री भूखे. थके हुए और भूखे डव्स दे वे फ्लाइंग ओवर अ फॉरेस्ट, उड़ रहे थे एक जंगल के ऊपर से. जंगल के ऊपर से वो लोग गुजर रहे थे. द स्मॉलेस्ट ऑफ द डव्स वाज सो टायर्ड दैट ही सेड टू द डव किंग, ओ किंग प्लीज कैन वी रेस्ट अ बिट. उनमें से सबसे छोटा जो डव था वो इतना थक चुका था कि वो डव किंग से कहता है, हम लोग थोड़ा सा आराम कर लें प्लीज. ओ कम लिटिल वन, चलो कोई बात नहीं. लिटिल वन बी ब्रेव, बहादुर बनो. ब्रेव यानी बहादुर. रिप्लाइड द किंग, किंग ने जवाब दिया, वी आर श्योर टू फाइंड सम फूड सून, हमको जल्दी ही कुछ खाने के लिए मिल जाएगा. सो द लिटिल डव फ्लैप्ड हिज विंग्स हार्डर, और इस प्रकार से छोटे से डव ने खूब जल्दी जल्दी पंख फड़फड़ाना शुरू किया. He flew so fast that he found himself ahead of all others. इतना तेजी से वो उड़ा कि सबसे आगे निकल गया. Ahead यानी आगे. Soon he turned to them and said, उसके बाद वो पीछे मुड़ा और बोला, Come on, hurry up, I can see some food down there. जल्दी उड़ो जल्दी, मुझे कुछ नीचे दाना दिखाई दे रहा है, कुछ भोजन दिखाई दे रहा है. The doves looked down. सारे के सारे कबूतरों ने नीचे देखा. There they saw some rice scattered on the ground just below a big banyan tree. उन्होंने देखा एक बड़ा सा बैनियन का पेड़ है, बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे कुछ चावल बिखरा हुआ है. Come my friends, let us eat, said the dove king. चलो दोस्तों खाते हैं, कबूतरों के राजा ने कहा. Together the doves landed under the banyan tree and began to eat the rice. और सारे के सारे कबूतर जैसे पक्षी डव नीचे बैनियन ट्री के नीचे उतरे और चावल खाने लगे. Suddenly a vast net fell over them. तभी एक बड़ा सा जाल उनके ऊपर गिरा. The doves were trapped in it. सारे के सारे डव्स उसमें फंस गए. Trapped का मतलब फंसना. We are caught, cried the king. राजा बोलते हैं हम फंस गए. What shall we do now? अब हम क्या करें? The next moment they saw a big fat hunter coming towards them. दूसरे क्षण उन्होंने देखा एक मोटा तगड़ा सा शिकारी, हंटर का मतलब शिकारी, उनकी ओर आ रहा है. He was carrying a huge club, बड़ा सा विशाल डंडा उसके हाथ में. We must do something immediately before the hunter kills us, said the dove king. कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये शिकारी हमें मार डालेगा. All the doves were struggling to get out of the net. सारे डव उसके अंदर फड़फड़ाने लगे किसी तरह से उस जाल से बाहर हो जाएं. How can we save ourselves? They cried. हम कैसे बचें? वे सब के सब चिल्लाए. I have an idea, said the king. Dove king ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है. We must act together. हम सबको मिलके एक काम करना चाहिए. We shall all fly up. हम एक साथ उड़ेंगे, carrying the net with us. और अपने साथ इस net को carry करके ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे. Remember now, unity is our only hope. अब हमारी एकता ही हमारी अंतिम उम्मीद है, अन्यथा हम नहीं बच पाएंगे. होप यानी उम्मीद, आशा. Each dove caught the net in its beak. हर एक डव ने, कबूतर जैसे पक्षी ने, अपनी चोंच में जाल को पकड़ लिया, बीक यानी चोंच. Then all together they flew up, और सब एक साथ उड़े. The hunter was almost upon them. हंटर लगभग पहुंच चुका था वहां तक. Suddenly he saw his net going up into the air. तभी उसने देखा कि उसका जाल तो ऊपर उड़ता हुआ चला जा रहा है. He was amazed to see the unity among the doves in their effort to get away.
फिर उसने देखा कि ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है, इतनी एकता सारे डब्स में, एक साथ सारे के सारे जाल लेके उड़ गए। He ran after them, वो उनके पीछे दौड़ा, hoping that the net and all the doves would soon fall down, ये सोच के कि बड़ी जल्दी ये लोग सबके सब अभी नीचे गिरने वाले हैं। The doves saw him running after them, doves ने देखा कि शिकारी दौड़ता हुआ आ रहा है उनके पीछे, so they flew high over hills and valleys and went far, far away where the hunter could not follow them. वो उड़ते गए बहुत दूर पहाड़ियों घाटियों से होते हुए वो लोग ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां शिकारी उनका पीछा नहीं कर सकता था। At last, the hunter grew tired and gave up the chase. उसके बाद वो शिकारी थक गया और उसने पीछा करना बंद कर दिया। When the dove king saw that the hunter was no longer following them, he said, जब डव के राजा ने देखा कि अब शिकारी उनका पीछा नहीं कर रहा है तो उसने कहा, Half our troubles are over. हमारे आधे कष्ट खत्म हो गए। Now we must fly to the hill near the city of temples. हमको पास की पहाड़ी तक उड़ के जाना है, जहाँ जो शहर मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। There lives my faithful friend, a little mouse. वहाँ मेरा एक वफादार दोस्त रहता है, एक छोटा सा चूहा। He will certainly help us. निश्चित रूप से वो हमारी मदद करेगा। He'll cut the net with his teeth and set us free. वो जाल को अपने दांतों से काट के हमें फ्री कर देगा। यस यस लेट अस गो टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स, चलो चलो मंदिरों के शहर में चलते हैं। एंड ऑल द डव्स इन कोरस सेड ऑल द डव्स इन कोरस एंड ऑन दे फ्लू, सबने एक साथ कहा कोरस में, यानी एक साथ कहा और उड़ गए। सून दे रीच द प्लेस वेयर द माउस लिव्ड, बड़ी जल्दी वो लोग उस स्थान पर पहुंच गए जहां चूहे रहते थे। When the mouse heard the loud noise made by the flapping of wings, he was frightened and hid himself at the far end of his house. जब चूहे ने सुना बहुत जोर से पंख फड़फड़ाने की आवाज आ रही है, वो डर गया, frightened यानी डरना, वो डर गया। And hid himself at the far end of his house, अपने घर के सबसे अंदर के कोने में जाके खूब दूर पे छुप गया। But the dove king called out to him softly. परंतु डव किंग ने, डव का जो राजा था उसने बड़े प्रेम से उसे बुलाया और कहा, दैट ही हैड कम टू आस्क फॉर हिज हेल्प, कि मैं आपकी मदद चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। द माउस लुक्ड आउट, चूहे ने झांक के देखा, ही वॉज हैप्पी टू सी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड, उसने देखा ये उसका दोस्त है। द डव किंग हु वॉज टॉकिंग टू हिम, जो बात कर रहा है वो डव किंग है, उसका दोस्त। वी हैव बीन कॉट इन अ ट्रैप सेट बाय अ हंटर, सेड द डव किंग, हमको एक शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया है। वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस नेट, इस जाल से हम बाहर नहीं हो पा रहे हैं। When the hunter came, we flew together, taking the net with us. जब शिकारी आया था हमें फंसाया तो हम पूरा जाल लेके उड़ के आ गए हैं। Now please help us, कृपया हमारी मदद कर दीजिए। Cut the net with your teeth and set us free, अपने दांतों से इस जाल को काट दो और हमें आजाद कर दो। Very well, I shall set you free first. चूहा बोलता है, मैं सबसे पहले तुम्हें आजाद कर देता हूँ, तुम राजा हो। नो नो सेड द किंग, प्लीज फ्री माई फॉलोअर्स फर्स्ट, नहीं पहले मेरी प्रजा को आजाद करो, राजा को नहीं प्रजा को। द लिटिल माउस वॉज वाइज, छोटा चूहा वाइज था, बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड द फीलिंग्स ऑफ अ किंग्स टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट्स, उसको अपने प्रजा के प्रति राजा का जो भावनाएं, राजा की जो भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं समझ में आ गई। So he began to cut the rest of the net. उसने पहले बाकी लोगों का जाल काटना शुरू किया। One by one, all the doves were set free. एक-एक करके सारे डव आजाद हो गए। And then, at last, the dove king was also set free. और उसके बाद, डव का राजा भी आजाद हो गया। All the doves were grateful to the little mouse for saving them. सारे के सारे डव्स ने धन्यवाद किया चूहे का, अपना आभार प्रदर्शित किया कि आपने हमें बचा लिया। With a loud flapping of wings, जोरदार पंख की पड़पड़ाहट के साथ साथ, they rose in the air and flew away. वो हवा में उड़े और चले गए। इस कहानी को एक बार और समझते हैं, मेरी तरफ देखिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी, अपनी किताबों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। ये कहानी है डव किंग की, जिसमें शुरुआत ऐसे हुई है कि बहुत सारे डव्स खाने की तलाश में उड़ के निकल जाते हैं और उड़ते उड़ते वो लोग पहुंचते हैं
एक ऐसे स्थान पे जहां उनको कुछ अनाज दिखाई पड़ता है, कुछ अन्न के दाने, चावल के दाने बिखरे हुए रहते हैं। चावल के दानों को खाने के लिए जब वो नीचे उतरते हैं तो उनको पता चलता है कि वो एक जाल में फंस चुके हैं और शिकारी मोटा सा डंडा लेके उनका पीछा करता है। जब शिकारी को अपने नजदीक आता हुआ वो लोग देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि हम भागे कैसे। डफ किंग बोलते हैं, अब सबको एक साथ उड़ना होगा, हमको इस जाल के सहित ही उड़ना होगा। सारे के सारे डव्स एक साथ फ्लैप करते हैं विंग को और उड़ जाते हैं। शिकारी उनका बहुत पीछा करता है परंतु वो उनको नहीं पकड़ पाता। उड़ते उड़ते वो लोग जहाँ पे डव किंग का एक दोस्त रहता है, एक चूहा, वहाँ पहुँचते हैं। चूहे को, चूहा पहले तो बहुत सारे पंख की पड़पड़ाहट सुन के डर जाता है, लेकिन जब डव किंग आवाज़ देते हैं कि मैं हूँ और अब इस तरह की मुसीबत में हम हैं, तो चूहा बाहर आता है और एक एक करके सबका जाल काट के आज़ाद कर देता है। वो पहले राजा का जाल काटना चाहता है परंतु राजा बोलते हैं नहीं, पहले मेरी प्रजा को बचाओ और उसके बाद मुझे, और इस तरह से सबके सब आज़ाद हो जाते हैं। तो ये कहानी है, एकता में ताकत है, स्ट्रेंथ यानी ताकत, यूनिटी यानी एकता। हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कोटेशंस हैं। इस टेबल को कंप्लीट द टेबल एंड पुट द नंबर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर वन इज डन फॉर यू। कौन सी बात पहले हुई है, कौन सी बात बाद में हुई है। वी आर कॉट, व्हाट शैल वी डू नाउ। हम फंस गए हैं, अब हम क्या करें। हाउ कैन वी सेव अवर सेल्स, हम अपने आप को कैसे बचाएं। नो नो, प्लीज फ्री माई फॉलोअर्स फर्स्ट, पहले मेरे प्रजा को बचाओ। ओ किंग प्लीज कैन वी रेस्ट अ बिट, क्या हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं राजा। आई हैव एन आइडिया, वी शैल ऑल फ्लाई अप, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, हम सब के सब उड़ चल सकते हैं। कैरिंग द नेट विथ अस, इस जाल को लेके। वेरी वेल, आई शैल सेट यू फ्री फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको आजाद करता हूँ। कम ऑन हरी अप, आई कैन सी सम फूड डाउन देयर। कौन से घटना में, कौन सी घटना किस समय हुई है। जैसे यहाँ नंबर एक लिखा है कि राजा हम थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, और ये कहा किसने, स्मॉलेस्ट डव, सबसे छोटे डव ने कहा। उसी तरह से एक एक करके 1, 2, 3, 4 आपने जिस तरह से कहानी पढ़ी उसी ऑर्डर में आपको नंबरिंग करनी है इन वाक्यों की, और इसके साथ आपका कॉम्प्रिहेंशन का जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। हम इस एकता में शक्ति है, इससे संबंधित एक छोटी सी स्टोरी, छोटा सा वीडियो जो आपने पढ़ा उसको वीडियो के रूप में देखते हैं आपके स्क्रीन पे। आपने देखा इस स्टोरी को। आप सोचिए, कभी ऐसा आपने किया है अपनी ताकत एकजुट होके, कभी कुछ किया हो और कुछ अच्छा रिजल्ट पाया हो, किसी समस्या से बाहर निकले हो। सोचिए और अपने अनुभव को पूरी कक्षा में शेयर करिए। सपोर्टिव टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों से इस तरह के एग्जाम्पल्स पूछें, कभी उन्होंने देखा है या सुना हो या पढ़ा हो या कभी कुछ खुद किया हो, तो कक्षा में आप लोग अपना अनुभव जरूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।